अंदर चेंज लेके आते हैं। चेंज कैसे आती है, चेंज के ड्राइवर्स कौन से हैं, इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। हम आज का सिर्फ टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज चेंज। चेंज जो है बेसिकली वो डिपेंड करती है, या हम उसको एक्सप्लेन करते हैं विद थ्री डिफरेंट थिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स वी हैव? नंबर वन, ऑल्टरेशन ऑफ द पीपल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव। देन व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन? चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन ऑल्टरेशन ऑफ पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। दिस इज नोन एज चेंज, और यू कैन से चेंज रेफर टू ऑल्टरेशन दैट अकर्स इन एन इन्वायरमेंट। किस इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है, अब आप उस चेंज को आपके मुझे एडॉप्ट नहीं करना, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दिस चेंज, इसका मतलब ये कि आप नेचर को रेजिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी आपके एनवायरमेंट के अंदर, लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन चेंज, आपका कोई भी एक्स वाई जी बिजनेस है, आपके नजदीक चेंज आएगी, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकती है। लाइक मैं अगर आप लोगों के सामने एक बात करूं, आप सब लोग आईफोन यूज करते होंगे, क्या आप मुझे बताएं क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक दो साल के अंदर अगर आईफोन अपना नया मॉडल लॉन्च ना करे, तो क्या मार्केट के अंदर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि रिप्लेस कर सके आईफोन को? दानियाल एंड मानूर, जी सर, जी क्या आईफोन अगर एक दो साल के अंदर अपना मॉडल लॉन्च ना करे, तो आपको लगता है कि क्या कोई ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो रिप्लेस कर सकता हो आईफोन को, अगर आईफोन 2 साल के लिए चुप होके बैठ जाए? है, ब्रांड है जो कर सकता है। ब्रांड्स हैं, कर सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो जी एक ही चीज है जिसे हम बार बार लॉन्च करेंगे, नहीं, आपको नया मॉडल, नई चीज, नई स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च करना पड़ता है। इट्स अ नोकिया स्टेटमेंट कि अगर हम जी 6 मंथ के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करते, तो हम जो है मार्केट से पीछे नहीं, हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। आप हार्डी नोकिया का नाम सुनते होंगे, वाई? बिकॉज उन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की, ये चेंज को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, बट चेंज थी, आपने चेंज के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज नहीं किया। इन द एंड क्या हुआ, आप मार्केट से आउट हो गए। आप पाकिस्तानी कल्चर में बैठे हैं, बाहर से कोई फॉरनर आता है, लेट से कोई भी आता है यूरोपियन कंट्री से, अगर वो आके पाकिस्तानी कल्चर में अपना अपने कल्चर का ड्रेस यूज करता है, तो आपको लगता है कि वो यहां पे सरवाइव कर सकता है? दानियाल मानूर, नहीं सर, मानूर, मानूर डिपेंड कौन? करता है देखिए, कि वो अगर क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर देखें वहां पे जिस तरह की ड्रेसिंग होती है, अगर आप वैसी ड्रेसिंग पाकिस्तानी कल्चर में यूज करें, पॉसिबल नहीं है। रीजन, हर जगह की अपनी एक लिमिट है। अब होगा क्या, अगर कोई यूरोप से पाकिस्तान में आ रहा है, तो आपको कल्चर की चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि मैं पाकिस्तान में जाके जो करूं करूं, नहीं। फिर पाकिस्तान के यहां पे जो लोग हैं, बाहर जाएंगे, आपको वहां के कल्चर को एक्सेप्ट करना होगा, वहां की चेंज को इंपॉर्टेंस देनी होगी, अपने आप को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द कल्चर, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। यू कांट प्रिवेंट चेंज, आप चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते। चेंज इट्स अ जी नेचुरल प्रोसेस। आप आज जिस स्टेज पे बैठे हैं, 10 साल बाद
आप हर हिसाब से, हर एंगल से आप लोग चेंज हो चुके होंगे। आप नहीं कह सकते कि मुझे अगले 20 साल तक ऐसे ही रहना है, फिजिकली मेंटली मुझे ऐसे ही रहना है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने आप को बंद कमरे में बंद भी कर दें, तो एज एक ऐसा फैक्टर है जो आपके अंदर चेंजेस लेके आएगा। आप चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते। जब हम ऑर्गेनाइजेशन चेंज की बात करते हैं, तो इसका मतलब है हमने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करना है। वो चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो सकती है, वो चेंज इन टर्म्स ऑफ पीपल हो सकती है, वो चेंज इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो चेंज इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट हो सकती है, वो चेंज इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, वो चेंज किसी एंगल से भी हो सकती है। डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह की सिचुएशन को या किस तरह के सर्कमस्टांसेस को डील कर रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? जी होप जी यू आर गेटिंग आइडिया व्हाट इज चेंज। इकोनॉमी चेंज भी हो सकता है। इकोनॉमी चेंज इट्स एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चला जाएगा, वो एक स्टेट लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, हम चूंकि सिर्फ और सिर्फ उस लेवल पे जा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर। ऑफ कोर्स वहां पे फाइनेंशियल डीलिंग्स भी होंगी आपको कहीं ना कहीं। जैसे अगर मैं रिसेंटली बात करूं, अगर आप न्यूज सुनते हो, तो अभी अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट देखे ना, बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर आप 2 2 दिन का जो एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी सैलरी डिडक्ट कर लें। अब ये देखें, ये एक इवेंट्स हैं छोटे छोटे, क्यों आप पहले तो नहीं करते थे? अब सिचुएशन इस तरह की, हमने कुछ सिचुएशन को डील करना है। नाउ इट इज अ टाइम रिक्वायरमेंट, नाउ इट इज अ सिचुएशन डिमांड दैट यू हैव टू चेंज योर पॉलिसी। जी अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड चेंज, यू हैव टू चेंज योर पॉलिसी इन द ऑर्डर टू डील विद द सिचुएशन। डिपेंड्स ऑन वट काइंड ऑफ सिचुएशन यू हैव। दिस इज नोन एज चेंज। अच्छा, चेंज की नेचर क्या होती है? हमारे पास जो चेंज है, पहला जो पॉइंट मैंने यहां पे आप लोगों के सामने, स्क्रीन के सामने आपके विजिबल है दोनों को, दानियाल एंड मारू? अच्छा, अब आप देखें हमारे पास है नेचर ऑफ चेंज। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, चेंज डिस्टर्ब ओल्ड इक्विलिब्रियम। आपकी आदत है, आपकी एक रूटीन होगी कि सुबह 12 बजे उठना है। किसी दिन आपको कहें कि आज इमरजेंसी काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो सुबह आपने 8 बजे उठना है। आप सुबह उठते होंगे ना, तो ये भी पॉसिबल है कि आप एकदम से उठते हो तो आपसे खड़ा भी ना हो, आप खड़े भी ना हो सकते हो, आप दीवार की या वॉल की सपोर्ट लेके आगे चलते हो, आपको एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाते हो, या आपको 7 बजे घर वाले उठाते हो और आप 8 बजे बेड से उतरते हो, आप घंटा लेते हो उठने में। द रीजन चेंज इज ए पेनफुल प्रोसेस। चेंज जब भी आती है, आपका जो पिछला कंफर्ट जोन है हमेशा उसको डिस्टर्ब करती है, और जैसे ही आपका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, वो जो टाइम है दैट्स बिकम पेनफुल फॉर यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ा पेनफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे आपको, या तो ऑल्टरेशन ऑफ पीपल, आपको कुछ लोग चेंज करने पड़ते हैं, आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, या आपको कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ती है, मैनेजमेंट या लीडरशिप, व्हाट्स एवर, कोई भी चेंज है। अब लाजमी नहीं जो आप चेंज कर रहे हैं आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तो टाइम डिसाइड करेगा। बट वो जो प्रोसेस है, वो जो टाइम है चेंजिंग का, दिस इज पेनफुल। लोगों को चेंज करना, फिर नए लोगों को लेके आना, उनको ट्रेंड करना, फिर उनके साथ निगोशिएट कर, अगेन
एक जीरो से प्रोसेस स्टार्ट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क. सो चेंज ऑलवेज डिस्टर्ब योर ओल्ड इक्विलिब्रियम. जब आप एक चीज सीख जाते हैं आप एक रूटीन में आ जाते हैं, नाउ दैट्स रूटीन बिकम योर कंफर्ट जोन. आप सुबह 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं, ये आपकी रूटीन है, इट्स बिकम योर कंफर्ट जोन. बट अगर कोई आपसे कहे कि आज 6 बजे उठते हैं सुबह एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, नाउ इट्स अ पेनफुल फॉर मी. मेरी रूटीन है मैं 7 बजे उठता हूं, मैं 6 बजे नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाना होता है, ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, फिर मुझे वापस आके फलां काम होता है, मैं रात 9 बजे घर आता हूं. ऑल दीज आर लेम एक्सक्यूजेस जस्ट टू सपोर्ट कि मैं 7 बजे उठता हूं. आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दैट्स द रीजन, क्योंकि वो आपकी जो रूटीन है वो कंफर्ट जोन में आ गई है. जिस दिन सिचुएशन या टाइम आपको मजबूर करेगा कि चेंज लेके आए, नाउ दैट्स चेंज विल डिस्टर्ब योर कंफर्ट जोन. और जैसे ही आपका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है क्या होता है, पेनफुल हो जाता है. इज देयर एनी इशू? नहीं. ओके अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है इट्स डायनामिक एंड कंटिन्यूअस. एज आई टोल्ड यू आप छोटे हैं, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े होते जाएंगे, ओल्ड एज में तक पहुंचते जाएंगे, हर चीज विद द पैसेज ऑफ टाइम डिमांड करती है कि चेंज लेके आए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो इंडिविजुअल है. आप छोटे से थे, आप कुछ आपने लाइफ स्टार्ट की एक रोटी के नवाले से, वहां से लेकर आज तक आप कंपैरिजन करें कि आपकी बॉडी कितनी चेंज हुई है. क्या आप सिर्फ एक नवाला लेते हैं? नहीं, अब आप प्रॉपर खाना खाते हैं. इसमें आपको कोई कमाल नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस चेंज. टाइम इटसेल्फ डिमांड दैट यू गाइस शुड ब्रिंग सम चेंज आइदर इन योरसेल्फ और आइदर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप काम भी कर रहे हैं तो वहां पे भी एक्सपेरिमेंट करें कुछ थोड़ा बहुत, मैं काम को चेंज करूं. जो काम मैं हफ्ते में करता हूं आई शुड ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन. कहां तक? फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज. यूटिलाइज करें अपने माइंड को, डू सम एफिशिएंट वर्क, एफिशिएंट प्लस इफेक्टिव. मेथड्स चेंज करने की कोशिश करें, फिर अपना बिलीव चेंज करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ चेंज करें, चेंज करते रहा करें. एक ही चीज बार बार खाने से आप बोर हो सकते हैं, हालांकि भूख लगी आप खा फिर भी लेंगे लेकिन आप बोर हो जाएंगे. एक ही चीज बार बार पीने से आप बोर हो जाएंगे. आपको थोड़ा सा टेस्ट बर्ड आपके कहते हैं कि थोड़ा सा चेंज करो, टेस्ट चेंज करो. आपसे कहा जाए आज जाते हैं KFC खाते हैं, नहीं आज KFC का दिल नहीं कर रहा, मैंने कल खाया था, आज कुछ नया खाते हैं. क्यों? नेचुरल प्रोसेस, कंटिन्यूअस चेंज, इट रिक्वायर्ड समथिंग, कंटिन्यूअसली कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट will provide you some kind of entertainment or freshness, not only in your body but in your organization as well. Ek hi kaam baar baar karne se aapke employees bore ho jate hain. Give them some challenging task, keep on changing on daily basis. Yes, it is required more skills, more innovation, but this is the only way. Multitasking.
मल्टीटास्किंग, ये तो आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। यस, लाइक अगर आप हर वक्त आप कहें मुझे पढ़ना पढ़ना है, आप बोर हो जाएंगी। डू समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ साथ साथ और भी करें, ताकि इन द एंड आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे। आप सुबह उठें, आपकी एक ही रूटीन वाइज एक ही रूटीन हो, शाम आप बोर होंगी, समझ नहीं आ रही क्या करूं, लाइफ में सेटिस्फेक्शन खत्म होगी, स्माइल नहीं आ रही मेरे मुंह पे, मुझे कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही। जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ योर रूटीन, यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ योर रूटीन, एक ही मेथड, एक ही प्रोसेस बार बार फॉलो करने से यू आर अ ह्यूमन, यू विल गेट बोर। थर्ड पॉइंट इज नेचुरल चेंज। एज आई एम टॉकिंग, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप कुछ भी नहीं है चेंज के आगे, आप एग्री करें डिसएग्री डजेंट मैटर, बिकॉज द चेंज इज अ नेचुरल प्रोसेस। आपको कोई बहुत अच्छा लगता है, आप कहें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे, नो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ना एक टाइम पे चेंज होगा, आप दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, आप नहीं करेंगे टाइम खुद चेंज करवाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नेचुरल प्रोसेस समझ के आपको चेंज को डील करना होता है। आप में से कौन जानता है कि हलीब का एक मिल्क पैक आता था कभी मार्केट में, कभी नाम सुना है हलीब? जी, बहुत अच्छी कमर्शियल आती थी इसकी। अगर आप देखें जब ये मार्केट में आया था, इसका अच्छा खासा मार्केट में शेयर था, अच्छा खासा नाम था। अब देखें एकदम से मार्केट से गायब हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एबिलिटी, दे डोंट हैव कैपेसिटी टू डील विद द चेंज। कीप ऑन चेंजिंग नहीं कर सकते वो, कुछ लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। आप नॉर्मली सुने एक कल्चर में जाए ना, किसी कल्चर में, तो आप अगर आपने से पहले दो तीन अबाव अजदाद की जनरेशन में चले जाएं, तो लोग कहते होंगे यार ये एक डिफरेंट कल्चर है। अब जैसी नेक्स्ट जनरेशन आती है ना, कल्चर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट दुनिया के हिसाब से वो चलती है, वो कल्चर को चेंज कर देती है। अब आप बैठते होंगे और आप ये सोचते होंगे, आपके पेरेंट्स खुद कहते हैं कि हम अपने दौर में ये करते थे, आपकी एज में तुम लोग ये कर रहे हो। और जब आप दोस्तों का सर्कल बैठता होगा ना, वो ये कहता होगा कि यार आज की जनरेशन आ रही है, ये तो हमसे भी गई गुजरी होगी। ये गई गुजरी का ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये चेंज आ जाएगी बहुत सारी। आप अपने पेरेंट्स के साथ देखें, व्हेन दे वर इन योर एज वो क्या करते थे, लुक एट योर सेल्फ एंड लुक एट नेक्स्ट जनरेशन। वो ज्यादा एक्टिव होते थे। देखें कोई चीज फिक्स नहीं है, मैं कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग चेंज एग्जिस्ट कर रही है हर जगह पे, हर चीज के अंदर। व्हाई? गॉड्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको अच्छी लगती बुरी लगती है, इन द एंड इट डजंट मैटर, चेंज विल हैपन बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जी, परपेचुअल चेंज। परपेचुअल चेंज क्या है? कि चेंज कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। चेंज 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 नेवर एंडिंग है ना, मतलब होता रहता है टिल योर लास्ट ब्रीथ। आप अपना फर्स्ट डे से लेकर अपने एंड डेट तक देखेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज आएगा। आप अभी कंपैरिजन, कभी आप रात में बैठते हो, आप कंपैरिजन कर, आप का अगला दिन पिछले दिन से थोड़ा सा चेंज होगा। इट्स नेवर एंडिंग, आपका एंड हो जाएगा, चेंज का एंड नहीं होगा।
हर दिन कुछ चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज टाइम की तरह होता है म्यूजिक। चेंज टाइम की तरह ही है एंड इट इज डिमांडेड बाय टाइम, क्योंकि आप अगर चेंज नहीं भी करते तो टाइम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि वो खुद चेंज कर देता है, आपको मजबूर करता है कि ब्रिंग सम जी चेंज। और अगर आप फिर भी इंतहाई जिद पे खड़े हैं मुझे चेंज नहीं करना, इन द एंड होता क्या, आपको ठोकर लगती है। ठोकर इन अ सेंस, आपको रियलाइज होता है कि दुनिया बहुत आगे चली गई है, फिर आपके पास सिवाय उस वेस्ट बिलीफ, उस वेस्ट आउटडेटेड इंफॉर्मेशन के कुछ नहीं रहता। आप किसी इंसान से बात करते हुए घबराते हैं कि यार मेरे अंदर तो ये भी नहीं है, मेरे अंदर ये भी नहीं, मैं इससे बात कैसे करूं। कुछ चार पांच अच्छे एक्सपोजर के लोग बैठ जाए ना, तो आप फील करेंगे कि जो एक नॉर्मल इंसान बैठा ना, वो बड़ा डरा हुआ सहमा हुआ बैठा होता है कि मैं कहीं इनसे बात करती हूँ मेरे से कोई ब्लंडर ना लग जाए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इन चीज़ों का, ये अपनी बातें करते हैं कहाँ की कर रहे हैं। रीज़न ये कि वो भी इंसान है, बट फॉल्ट इज दिस, आपने चेंज एक्सेप्ट नहीं की। आप देखिए चेंज बड़ी माइनर सी चीज़ है, आप यहाँ से जाएं बाहर, आप शॉपिंग मॉल चले जाएं, किसी ऑफिस चले जाएं, आप सामने बैठे ना, आपको किसी की ना ड्रेस अच्छा लग जाएगा, आपको किसी की शर्ट अच्छी लग जाएगी, किसी की जीन्स अच्छी लग जाएगी, अनकॉन्शियस माइंड में आएगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी शॉपिंग पे गई या गया, मैंने यही कॉम्बिनेशन लेना है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप शायद उस तरह का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते थे, अब ये चेंज आ गया, ये चेंज देख के भी आ सकता है, इतनी माइनर सी चीज है। आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, कहीं देखा है किसी को, कोई बंदा आके किसी ने हैंडशेक की है, आपने यार बड़े मजे का हैंडशेक करता है, नेक्स्ट टाइम आप उसको कॉपी करेंगे, नाउ अगेन चेंज आ रही है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि महफिल में आए, इंसान का दिल बड़ा खुश हो जाता है, यार ये इस्लाम बड़ा अच्छा करता है, मजा आता है, ना चाहते हुए भी आप किसी और महफिल में जाएंगे और वैसा ही सलाम करने की कोशिश करेंगे। जस्ट टू ब्रिंग चेंज, ये चेंज का इम्पैक्ट है, आप इस चीज से डिसएग्री कर ही नहीं सकते। आप डे बाय डे आप देखें आपकी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव हो रही होगी, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, जो परफेक्ट हो, जिसको लगे परफेक्ट है, तो वो समझ जाए कि वो अब जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा है, बहुत जल्दी गिर जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। नहीं, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एज के हर दिन में आप नई नई चीज सीखते जाएंगे। कभी ड्रेस सेंस अच्छा होगा, कभी शूज सेंस अच्छा हो जाएगा, कभी शॉपिंग सेंस अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा, कुछ ना कुछ इंप्रूव हो रहा होगा। परपेचुअल चेंज कभी बैंड नहीं होती। आपकी कोई दादी माँ भी है ना, उससे पूछें आपने क्या सीखा है, वो आपको बताएगी आज मैंने ये सीखा है। आप बाज़ औक़ात कुछ जगह यूज कर रहे होंगे, किसी जगह पे किसी ने इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिया होगा, या आपने कभी मूवी देखते हुए सीजन देखते हुए आपने वहां से एक नया लफ्ज उठा लिया, इंफॉर्मेशन एड अप हो गई, आपके पास जो था उसमें थोड़ी सी चेंज आई है। अगेन चेंज बुरी भी होती है अच्छी भी होती है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट चेंज। हमारा ये टॉपिक नहीं है आज का कि आइदर चेंज इज पॉजिटिव और आइदर चेंज इज नेगेटिव। फिफ्थ वन वी हैव बिहेवियरल चेंज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर चेंज होता है। इफ यू गाइज रिमेंबर, हमने ओबी में बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस पढ़े थे। आप नॉर्मल बैठे हैं, आप बहुत अच्छे बैठे हैं, आप बहुत अच्छे बोलने में, आप आते हैं घर में और घर में रौनक आ जाती है,
आप किसी जगह खामोश नहीं बैठते, आप बड़े एक्सट्रोवर्जन हैं, आप जिस महफिल में बैठते हैं महफिल को हंसा के रखते हैं, सडनली ये पॉसिबल है कि आप ऑफिस की तरफ आ रहे थे, आप घर की तरफ आ रहे थे कि आपने रास्ते में एक्सीडेंट देख लिए, एकदम से आप घर आए, आप से किसी से बात नहीं हो रही, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे खाना ना खाया जा रहा हो, वो एक जो सडन इवेंट हुआ है उसने बिहेवियर चेंज कर दिया है। इज दैट पॉसिबल मानूर? जी जी है पॉसिबल कि आप बाहर की ऐसा इवेंट देख के आप घर आए और आपके मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, और ये भी पॉसिबल है कि आप आकर रोना शुरू कर दें, एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर चेंज होता है। आप नहीं कह सकते मेरा बिहेवियर ऐसे ही रहता है, नहीं ऐसा नहीं रहता, ये अभी इवेंट चेंज होगा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर चेंज होता है। हर सिचुएशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर भी एक जैसा नहीं रहता, लाइक अ ह्यूमन बिहेवियर। द लास्ट पॉइंट वी हैव, चेंज इफेक्ट होल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स टॉप टू बॉटम। जब आप चेंज एडॉप्ट करते हैं, आपकी टॉप टू बॉटम हर चीज चेंज होती है। वेरी क्विकली मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज की तरफ आता हूं और हम फिर इस आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, फर्स्ट वी हैव रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज ये होती है जो कि एक क्विक चेंज आए, सडन चेंज आए। सडन चेंज से क्या होता है, कि आप कंपनी का जो स्ट्रक्चर है टॉप टू बॉटम वो एकदम से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, आप देखेंगे कंपनी का स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ गया। सुबह 9 to 5 जॉब है, एम्प्लॉयज आएंगे, बायोमेट्रिक लगाएंगे, ठीक, हर चीज प्रॉपरली सेटल थी, क्योंकि वो पैटर्न चल रहा था दुनिया का। एकदम से गवर्नमेंट ने कहा सब चीजें बंद कर दो, कोविड आ गया, सडन चेंज, आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ गया। आप उस मौके पे नहीं कह सकते मुझे चेंज एक्सेप्ट नहीं करनी, आपको करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके एम्प्लॉयज को, आपकी लीड को ऑनलाइन टूल्स के ऊपर ग्रिप नहीं है, आपको देनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी ऑन अ अर्जेंट बेसिस। दिस इज नोन एज रेडिकल चेंज, वो सडन चेंज जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का सारा टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर चेंज होता है, नोन एज रेडिकल चेंज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी। Then we have number two, discontinuous change. एक होता है continuous change, एकदम से discontinuous change आ गया, एकदम से वो change जिसने आपकी continuous change को stop लगा दिया। Again COVID, आप physically काम कर रहे थे, day by day changes आ रही थी। डिसकंटिन्यूअस चेंज क्या यूज्ड हो जाते हैं ना, तो नहीं होता फिर। यस, एकदम से डिसकंटिन्यूअस चेंज आ गया आपका, इससे क्या होता है अगेन कि आप बाज़ औक़ात क्या होता है, बड़ा एक पेनफुल भी चेंज है और सम टाइम बड़ा डैमेजिंग भी होता है कंपनी के लिए। Discontinuous change. अब इसमें होता क्या, बाद एक्सटर्नल चेंजेस आती हैं जिसका इंपैक्ट
आपकी इंटरनल चेंज के अंदर या इंटरनल चेंज के ऊपर, इंटरनल प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट कर जाता है। और वो इस तरह इफेक्ट करता है कि आपकी जो चेंज था, कंटिन्यूस चेंज, एकदम स्टॉप हो जाता है। यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज एनीथिंग। वो एक ट्रेडिशनल वे जो आप कर रहे थे, अब आप नहीं उसके साथ चल सकते। किसी पुराने गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कहो ना कि वो जो रजिस्टर वगैरह पे लिखता था सारा रिकॉर्ड, उसे कहो ना चलो अब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर पे एक्सेल पे ये सारी चीज़ रिकॉर्ड करो, अगले दिन रिजाइन देके चला जाएगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे का आदी है। ही और शी डोंट हैव एबिलिटी टू वेलकम द चेंज। जी आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी द लास्ट जी वन इज रेवोल्यूशनरी चेंज। रेवोल्यूशनरी चेंज असल में चेंज लेके आती है। इसमें आप लोग करते क्या है कि आप अपनी लीडरशिप को चेंज कर देते हैं। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट बाज़ का तो आपकी लीडरशिप ही चेंज लेके आ जाती है। बट इन एनी केस, जहां पर आपको अपनी टॉप मैनेजमेंट, अपनी बैकबोन मैनेजमेंट चेंज करनी पड़े, नोन एज रेवोल्यूशनरी चेंज। रेवोल्यूशन का ये मतलब है एकदम से सारी चीज चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कोई भी सीईओ है, कोई भी सीईओ, वो एक डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट को चेंज कर देता है। रीजन, वो डिपार्टमेंट ऑडिट डिफेंड करने में फेल हो गया। आपने कहा कि पूरे डिपार्टमेंट को चेंज कर दो। रेवोल्यूशन चेंज।